इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं लिया। यह जो जानकारी है जो पूर्ण रूप से गलत जानकारी है। माहेश्वरी समाज का ये मानना है कि देश की जनसंख्या का नियंत्रण विश्व के मापदंडों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, लेकिन समाज की जो गुणवत्तापूर्ण जनसंख्या है उसकी घटते संख्या पर समाज ने चिंता जरूर व्यक्त की। समाज का ये मानना है कि कन्याओं की कमी और लिंगानुपात की कमी को लेकर कन्या जन्म को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दो कन्या होने पर या दो से अधिक कन्या होने पर उस मातृशक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। कन्या के जन्म को बच्चे के जन्म की तरह उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस बात पर चिंता जरूर व्यक्त की गई कि पूरे देश भर में युवाओं में वर्तमान में संतानोत्पत्ति को लेकर जिस तरह का माहौल और एक निराशापूर्ण माहौल है, चूंकि पाश्चात्य संस्कृति के कारण चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो चाहे समलैंगिकता हो, उसके कारण हमारे परिवारों की वृद्धि और हमारी जनसंख्या में बहुत नेगेटिव नकारात्मक असर पड़ा है। महेश्वरी समाज अभी इससे अछूता है, लेकिन जिस तरह का देश दुनिया में वातावरण है, महेश्वरी समाज एक अग्रिम समाज है। हम मानते हैं कि हम शास्त्र को मानने वाले समाज हैं और पितृदंड से मुक्ति के लिए परिवार की वृद्धि करना एक युवा की प्राथमिक आवश्यकता है, उसका संकल्प है। केवल घटती जनसंख्या पर चिंता जरूर व्यक्त की गई, इस तरह का कोई विषय नहीं लिया गया कि संख्या दो हो कि तीन हो। सबसे पहले समाज अपने संस्कारों का रक्षण करे, उसके आधार पर उनका संरक्षण करे, उसकी समृद्धि करे, इन सब विषयों पर चर्चा हुई थी। यह मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। ये गर्भपात की जो व्यवस्था है हर समाज में, जैसे महेश्वरी समाज में गर्भपात को लेकर कहीं किसी तरह की कोई घटना नहीं है। महेश्वरी समाज में कन्याओं का उतना ही सम्मान है। आपने कल देखा होगा हमारे समाज की कैप्टन संगीता काबरा बांगर, जो देश की पहली महिला पायलट, जिसको देश में पहली बार बोइंग उड़ाने का लाइसेंस सरकार ने दिया, वो महेश्वरी समाज की बच्ची है। हमारी बहन मोनिका पनपालिया जो बोइंग बनाने का, जो विमान बनाने की कंपनी है, उसकी 65 देशों की टेक्निकल हेड, वो कल मंच पर हमारे सामने थी। हमारी ऐसी कई बहनें जिनको मंच पर लाकर हमारी बहन निकिता चांदनर, हमारी बहन जाजू जो मिस अमेरिका, मिस इंडिया अमेरिका रही, इस तरह की सैकड़ों हमारी, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में बहन किरण महेश्वरी हो या IAS IPS में भी हमारी जो महिला अधिकारी है सुनीता दादा जी, इस तरह के सभी लोगों को लाकर खड़ा करने के पीछे उद्देश्य ये था। महेश्वरी समाज में महिला साक्षरता को लेकर, चूंकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी महिला स्वतंत्रता सेनानी महेश्वरी समाज से हुई है उतनी अन्य किसी समाज से नहीं हुई है। यदि संख्यात्मक अनुपातिक आधार पर देखें तो सर्वाधिक स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान यदि किसी समाज से रहा है तो महेश्वरी समाज से रहा है। हम प्राचीन समय से मातृशक्ति को समानांतर अधिकार देने के पक्षधर थे, हैं और भविष्य में उसको और अभिवृद्धि करने के हम पक्षधर हैं। ठीक है।